गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन के तरफ से किसी भी तरफ से उनको जस्टिस दिलाना, क्योंकि उनके खुद के पार्टी के मेंबर्स जहाँ इन्वॉल्व होते हैं वहाँ वो बैकफुट पे चले जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है दिख रही हैं, और ये क्लियर एस्पेक्ट में जो है महाराष्ट्र के लिए जो है बहुत बड़ी बैकफुटिंग है, फेलियर है, और फाइनेंशियली भी जो है वो जो है स्टेट को जो है बैकफुट पे ले जा रही है। तो ये सारी चीजें गतिविधियां ठीक नहीं है, इसको अगर ये ठीक नहीं करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह से शासन चल रही है 2-2.5 साल से, ये मैंने फर्जीवाड़े की तरह चल रही है और कुछ नहीं। उनका जो रवैया है वो काफी गलत है, और इस तरह से अगर ये गवर्नमेंट चलती है तो ये काफी गलत चल रही है। नीतीश भी हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश, आपके पास और कोई जानकारी फिलहाल अभी तक मिल रही है क्या? कुछ खबर और सामने आ रही है? और एक और बड़ी खबर, बिग बॉस की शूटिंग छोड़कर हॉस्पिटल पहुंचे हैं सलमान खान। हॉस्पिटल के लिए रवाना हुए हैं, लीलावती हॉस्पिटल के लिए निकले हैं सलमान खान। बाबा सिद्दीकी के बेहद करीबी हैं सलमान खान। और सलमान खान, शाहरुख खान, जिन्हें हम हमेशा बाबा सिद्दीकी की जो इफ्तार पार्टी होती है उस पर हम देखते रहे हैं, उनकी पूरी की पूरी फैमिली पहुंचती है इस इफ्तार पार्टी में। और क्योंकि बिग बॉस की आज शूटिंग चल रही थी, शूटिंग को छोड़कर वो हॉस्पिटल के लिए रवाना हुए हैं, यानी कि लीलावती हॉस्पिटल सलमान कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। बिग बॉस की शूटिंग छोड़कर हॉस्पिटल रवाना हुए सलमान खान लीलावती हॉस्पिटल के लिए निकले। अब इस पर नीतीश, आपके पास क्या जानकारी है और कौन कौन से लोग वहां पर और कौन कौन सी राजनीतिक हस्तियां वहां पर पहुंच गई हैं हॉस्पिटल? जी बिल्कुल, देखिए अब तो कुछ देर पहले वहां पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहुंचे थे, और संजय दत्त जो जिन्हें जानकारी मिली तो सबसे पहले जो है वहां पर संजय दत्त पहुंचे थे सेलिब्रिटीज में। और तुरंत इस बात की जानकारी मिलने के बाद सलमान खान ने भी बिग बॉस की शूटिंग जो है वो छोड़कर वो भी वहां पहुंच रहे हैं। आपको बताते हैं दत्त परिवार, संजय दत्त परिवार जो सुनील दत्त के बेटे हैं उनके साथ भी, उस परिवार के साथ भी काफी गहरा रिश्ता जो है बाबा सिद्दीकी का रहा है। बात राजनीतिक जीवन से हटके करें तो ऐसे सारी पार्टी के लीडर्स के साथ उनकी काफी अच्छी अच्छी जो है रिश्ते बताए जा रहे थे, और जो रिश्ते उनके थे वो माने जाते थे। और ऐसे में इफ्तार पार्टी जो है वो ऑर्गेनाइज करते थे जिसमें सारे बॉलीवुड के सितारे जो है वो पहुंचते थे। जो पार्टी दूसरे पार्टी एकदम स्टेबलाइज हो देना, मैं मराठी मध्ये बोलतोय। 9:30 वाजता निर्मल नगर परिसरात ही घटना घडलेली आहे। श्री बाबा सिद्दीकी यांना लीलावती हॉस्पिटल मध्ये ऍडमिट करण्यात आलेले आहे। दोन संदिग्ध स्पॉट वरून पोलिसांनी ताब्यात घेतलेले आहे आणि या गुन्ह्याची पुढची तपास क्राइम ब्रांच मुंबई तो करत आहे। हिंदी 9:30 बजे निर्मल नगर परिसर में ये घटना हुई है। श्री बाबा सिद्दीकी को इस घटना के बाद लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। पुलिस ने दो संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है, ताबे में लिया है, और इस घटना की आगे की जांच क्राइम ब्रांच मुंबई कर रही है। नो कमेंट। तो 9:30 बजे की घटना पुलिस प्रशासन की तरफ से बताई जा रही है। इस घटना की जांच जो है वो पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा रही है। तो देखिए, बाबा सिद्दीकी को गोली मारने वाला संदिग्ध जिस पर आप घेरा बना हुआ देख रहे हैं वो संदिग्ध बताया जा रहा है। दो को हिरासत में ले लिया गया है। नीतीश, आप अपनी बात पूरी करिए। जी बिल्कुल अनन्या, और जिस तरीके का उनका व्यक्तित्व था, जिस तरीके से वो लोगों से मिलते थे, काफी अर्ली एज में, टीन एज में जब वो कॉलेज के दिनों में थे तब उन्होंने जो है NSUI जो कांग्रेस की स्टूडेंट विंग है वो उन्होंने ज्वाइन की थी, और उसके बाद लगातार जो है राजनीतिक में बने रहे। और ऐसे में अपने पार्टी से हटकर इतर पार्टियों के नेताओं के साथ उनके काफी अच्छे रिश्ते रहे, बॉलीवुड के कलाकारों के साथ उनके काफी अच्छे रिश्ते रहे। और ऐसे में उनके बैंड्रा की बात करें तो बैंड्रा में भी उनके कई जाने वाले हैं। और ऐसे में जब आज दशहरा का मौका था और दशहरा को लेकर भी उन्होंने एक ट्वीट किया था, लोगों की प्रॉस्पेरिटी और खुशियों की जो बात है वो ट्वीट करके उन्होंने दशहरा विश किया था अपने लोगों, अपने चाहने वालों को और सारे देशवासियों को। और ऐसे में आज ठीक राज्य दो बड़ी राजनीतिक रैलियां हुई है, दो बड़ी दशहरा की रैली हुई, उसके बाद ठीक इस तरह की वारदात हो जाना ये कहीं ना कहीं बहुत चौंकाने वाला है, और बहुत सारे सवाल जो है ये खड़े करता है कि मुंबई पुलिस जो है अपने काम के लिए जानी जाती है, जिस तरीके का काम है, जिस तरीके से मुंबई पुलिस ने अंडरवर्ल्ड से 90s में अंडरवर्ल्ड को मुंबई से उखाड़ फेंका, और ऐसे में एक ही साल में इस तरह की घटनाएं जो है बार बार रिपीट मोड पर अगर होने लगे, और वो भी
कोई आम इंसान पर नहीं, जो बड़ा एक बॉलीवुड का स्टार है सलमान खान, उसके घर पर, जो एक जो खुद मंत्री रह चुका है, जिसका जिसके बेटा जो है वो MLA है, और ऐसे में जो इस वक्त जिस पार्टी में मौजूद थे उस पार्टी की पार्टी जो है वो सरकार में है, तो इसमें अचानक एक इस तरह की घटना काफी चौंकाने वाली है। इसमें खास नजर जो रहेगी वो रहेगी क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन पर, क्राइम ब्रांच क्या कुछ खुलासे करते हैं, जो इसके पीछे लोग हैं, जिन लोगों ने साजिश रची है, क्या उनके मकसद थे, किस कारण ये साजिश रची गई थी, क्या कौन सा विवाद था वो, क्या कोई एक्सटॉर्शन को लेके केस थी, या कोई गैंग की इसके पीछे ये करतूत है, ये या पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी, जो एक बात निकलकर सामने आ रही है पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के तहत से ये हुआ है। तो ये 3-4 एंगल के साथ पुलिस और भी कई सारे एंगल के साथ जो है पूरे मामले की जांच करेगी, क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जांच करेगी, और पैनी नजर जो है इस वक्त मुंबई क्राइम ब्रांच के उस इन्वेस्टिगेशन पे होगी, क्योंकि ये एक कोई मामूली वारदात नहीं है अनन्या, का एक जो पूर्व मंत्री है उनके ऊपर इस तरह का हमला हो जाना, 3 लोग, एक नहीं दो नहीं 3 लोग पहुंचते हैं और 4 से 5 राउंड फायर कर देते हैं, और ठीक आधे घंटे के अंदर जो है उन वो शख्स की जो है जान चली जाती है। तो ये पूरे कॉन्स्पिरेसी क्या थी, किस वजह से जो है ये लोग वहां पर पहुंचे थे, किन लोगों ने जो है उन्हें भेजा था, किन लोगों ने उन्हें चूज किया था, क्या वो किसी के कहने पे आए थे, क्या सुपारी किलिंग का मामला है, अगर सुपारी किलिंग का मामला है तो कितने पैसे उन्होंने लिए थे इस तरह के वारदात को अंजाम देने के लिए, और इन सब में जो है इंटेलिजेंस फेलियर जो हुई है कहीं ना कहीं, क्योंकि जहां एक तरफ बात की जा रही है कि जो फास्ट ट्रैक में जो है फास्ट कोर्ट में जो है पूरा मामला चलाया जाएगा, पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अगर एक बार गुनाह हो गया उसके बाद आप जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ भी लेंगे तो जो गुनाह हुआ है उसे आप मिटा नहीं सकते, क्योंकि आप पुलिस का काम है कि गुनाह होने से पहले ही उसे रोकने की जो कोई पुरजोर कोशिश जो है पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से की जानी चाहिए वो उन्हें करनी है, उन्हें जो वर्दी दी गई है वो इसीलिए दी गई है ताकि जो इंटेलिजेंस है उसका पुरजोर इस्तेमाल करे, अपने पावर्स का पुरजोर इस्तेमाल करे और इस तरह की वारदातों को जो है चैन से उखाड़ फेंके, और इस तरह का काम मुंबई पुलिस ने किया भी है, इसमें कोई शक नहीं है, वो 90s का दशक था जिस समय अंडरवर्ल्ड को जो है मुंबई से उखाड़ फेंका था, और ऐसे में एकाएक इस तरह की वारदात फिर से अगर मुंबई में बढ़ रही है तो क्या खामियां जो है मुंबई पुलिस को फिर से जो है दूर करनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास भी अब डगमगाएगा, क्योंकि एक पूर्व मंत्री, एक MLA का पिता अगर सुरक्षित नहीं है तो क्या आम लोग अपनी सुरक्षा को लेकर सरकार पर, प्रशासन पर भरोसा जता पाएंगे, ये सारे अहम सवाल जो है ये खड़े होंगे। जी अनन्या बिल्कुल, और नीतीश आने वाले वक्त में क्योंकि विधानसभा का चुनाव होना है और विधानसभा के चुनाव में ये मुद्दा अपने आप में कानून व्यवस्था को लेकर बहुत बड़ा होने वाला है, विपक्षी पार्टियां लगातार इस मुद्दे को उठा रही हैं और ये सीधी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, संजय दत्त वहां पर पहुंचे हैं और सलमान खान को लेकर भी ये जानकारी मिल रही है कि बिग बॉस की शूटिंग जो फिलहाल बंद की गई है और सलमान खान भी जो हैं वो हॉस्पिटल के लिए रवाना हो चुके हैं। लेकिन नीतीश, इन सब के बीच एक तो पुलिस का फेलियर, सुपारी किलिंग के एंगल से जाँच अब की जाएगी, और दूसरा ये कि आने वाले वक्त में चुनाव में एक बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं ये होने वाला है, जिसका बेटा जिशान सिद्दीकी विधायक है कांग्रेस से और जो 3 बार के विधायक रह चुके हैं और मौजूदा सरकार में वो हैं बाबा सिद्दीकी, और इस तरह से उनकी हत्या होती है, शार्प शूटर्स आकर गोलियां चलाते हैं, कई राउंड की फायरिंग होती है और जिसमें उनकी जान चली जाती है। जी बिल्कुल अनन्या, 3 बार के वो खुद जो है पूर्व मंत्री रह चुके, इसके अलावा वो माडा के चेयरमैन रह चुके, तो ऐसी बड़ी बड़ी पदों की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है और ऐसी बड़ी बड़ी कारभार उन्होंने देखे हैं, और ऐसे में जो वो उनके व्यक्तिगत रूप से उनकी बात करें तो वो काफी ऐसे औदा रखने के बाद जो है कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की सुरक्षा को लेकर पहले ही जो पुलिस जिस इलाके में वो शख्स रह रहा है उस इलाके में उस पुलिस की जो है कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस ये सारी चीजों पर काम करती है, क्योंकि एक पूर्व मंत्री जिनके घर में खुद एक उनके बेटे जो है विधायक है वो मौजूदा सरकार में शामिल है और उन्हें पहले भी धमकी मिल चुकी है, और वो इलाका बैंड्रा जितना पॉश इलाका में इलाके में इस तरह की घटना हो जाती है तो ये काफी चिंताजनक है। आम लोगों को जो है कहीं ना कहीं अब मुंबई पुलिस के ऊपर से जो है विश्वास अब डगमगाएगा इस ऐसी वारदात के बाद, अगर मुंबई पुलिस जल्द से जल्द ऐसी वारदातों को रोकने के लिए अगर काम नहीं करेगी, अच्छे कदम जो है नहीं उठाएगी तो यकीनन जो है अब जो विश्वास मुंबई पुलिस ने कायम किया था आम जनता पर वो विश्वास अब शायद आगे नहीं रह सकेगा, क्योंकि इस तरह की घटना एकाएक अब बढ़ती चली जा रही है फिर से। जी नन्या चलिए शुक्रिया नीतीश तमाम जानकारी के लिए।
तो बाबा सिद्दीकी की हत्या पीछे आखिरकार कौन है, ये बड़ा कारण क्या रहा इस हत्या का, ऐसे तमाम सवाल जो हैं वो अब खड़े हो रहे हैं। और वहीं तमाम बाबा सिद्दीकी के तमाम करीबियों का हॉस्पिटल पहुंचने का जो सिलसिला है वो पहुंचना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं लीलावती हॉस्पिटल की तस्वीरें भी बाहर की हम दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में उनके समर्थकों का हुजूम जो है वो वहां पर उमड़ रहा है। शरद पवार कह रहे हैं जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ना चाहिए। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, एक तरह से बाबा सिद्दीकी के कत्ल की खबर गमजदा करने वाली है, जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही। नीतीश हमारे साथ बने हुए हैं इस वक्त। तो एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई शनिवार की देर रात मुंबई के बेंड्रा ईस्ट में। उन पर कई राउंड फायरिंग की गई और इसके बाद उनको गंभीर हालत में लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि उनको सीने और पेट में 203 गोलियां लगी। वो अपने बेटे जिशान सिद्दीकी के दफ्तर पहुंच गए हुए थे, उसी वक्त उन पर अचानक गोलीबारी हो गई और इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। इसी साल फरवरी में कांग्रेस छोड़कर बाबा सिद्दीकी ने एनसीपी अजित पवार का गुट ज्वाइन किया था। अजित पवार के गुट में शामिल वो हुए थे, 48 साल तक वो कांग्रेस में रहे और बेंड्रा पश्चिम से 3 बार विधायक रहे बाबा सिद्दीकी। महाराष्ट्र में राज्य मंत्री रह चुके हैं, वो महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुंबई डिवीजन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और अगर राजनीति को लेकर बात करें तो उन्होंने राजनीति की शुरुआत एक छात्र नेता के रूप में की थी। पहली बार बीएमसी के में कॉरपोरेटर वो चुने गए थे साल 1999, 2004 और 2009 में। बेंड्रा वेस्ट से विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं। साल 2014 के विधानसभा चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा था। बाबा सिद्दीकी की राजनीतिक कर्मभूमि बेंड्रा ही रही है, अधिकतर फिल्मी हस्तियां बेंड्रा में ही हम देखते हैं वो रहती हैं और बॉलीवुड सितारों में उनकी दोस्ती के बारे में सब जानते हैं। वो पहली बार सुनील दत्त के संपर्क में आए थे और उसके बाद संजय दत्त के बेहद करीबी हो गए। संजय के जरिए ही उनकी सलमान खान से मुलाकात हुई और उसके बाद बाबा सिद्दीकी की चर्चित इफ्तार पार्टियों में फिल्मी सितारों का आना जाना जो है वो शुरू हो गया और हर साल हम देखते हैं किस तरह से इफ्तार पार्टी में तमाम फिल्मी सितारे जो हैं वो पहुंचते हैं। सलमान और शाहरुख खान में पैचअप कराने के लिए भी वो जाने जाते हैं। और आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी साल 2017 में प्रवर्तन निदेशालय की रडार पर थे। ईडी ने मई 2017 में कथित झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण यानी एसआरए घोटाले के संबंध में कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी और अन्य के विभिन्न ठिकानों पर तलाशी भी ली थी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने साल 2018 में उनकी करीब 462 करोड़ की संपत्ति अटैच की थी। मुंबई के बेंड्रा स्थित जमाते जमहूरियत मलिन बस्ती के पुनर्वास परियोजना में फर्जीवाड़े के मामला भी सामने आया था। प्रथमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रथमेश, आपके पास क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से पूरी घटना हुई है बेंड्रा में पूरी घटना हुई और यहाँ पर जो है 3 लोग आए थे और 3 लोगों ने जो है जो बाबा सिद्दीकी है उन पर गोलीबारी की थी। हालांकि जिस तरीके से कार के अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से जो उनके जो शीशे है वो पूरी तरीके से टूट गए।